सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम पहले जो कल पढ़ा है उसकी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला जो अपनी क्रॉप है वो है ओकरा, और इसको लेडीज फिंगर भी बोलते हैं। तो चलिए इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। बॉटनिकल नेम ऑफ ओकरा, जिसने एबिलमोस्कस एस्कुलेंटस जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। ओकरा का बोटनिकल नेम है एबिलमोस्कस एस्कुलेंटस, बिलोंगिंग्स टू द फैमिली ऑफ। बताइए क्या होती है इसकी फैमिली, फटाफट कमेंट करो जल्दी से जल्दी, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। फैमिली होती है मालवेसी। क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं इसके, गुणसूत्र संख्या 2n इज इक्वल टू कितने होते हैं 130। अमंग ऑल वेजिटेबल क्रॉप्स सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम नंबर्स अगर किसी क्रॉप के हैं तो वो है ओकरा के, 130 हाइस्ट नंबर होते हैं ये। फ्रूट टाइप क्या होता है इसका, फटाफट जवाब दो फ्रूट टाइप। जिसने कैप्सूल जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। एडिबल पार्ट क्या है इसका, फटाफट कमेंट करते जाइए। एडिबल पार्ट फ्रूट, इसका होल फ्रूट खाया जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, सबसे ज़्यादा ओकरा का प्रोडक्शन कौन से देश में होता है, इसका सही जवाब होगा इंडिया। इंडिया जिसने सही जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला इन इंडिया कौन कौन से स्टेट से जहाँ पे ओकरा सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। बिहार और आंध्र प्रदेश जिसने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। अब आता है इसका यूजेज, तो एक मैंने यूज बताया था, बताइए क्या था इसका उपयोग। स्टेम और रूट का उपयोग केन जूस को क्लीन करने के लिए काम आता है ड्यूरिंग गुड़ प्रिपरेशन, ठीक है। अगला जो इसका यूज था वो था हाई आयोडीन कंटेंट ऑफ फ्रूट्स हेल्प्स टू कंट्रोल गोइस्टर। गोइस्टर किसको बोलते हैं, गेंगा, गेंगा रोग जो होता है ना गले का, या गलगंड रोग जिसको बोलते हैं, उसको उसके उपचार के लिए इसके बीजों का उपयोग किया जाता है, सॉरी फ्रूट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें आयोडीन की अधिकता पाई जाती है। और पत्तियों का उपयोग क्या है इसका, पत्तियों का उपयोग किया जाता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होता है शरीर के अंग का लाल होना और उसमें स्वेलन आ जाना, एंड डाइसेंट्री पैचिस। तो इसका फ्रूट का जो यूज होता है वो होता है हाई आयोडीन कंटेंट के कारण गेंगा रोग में, या गोइटर जो रोग होता है उसको ठीक करने के काम आता है। और पत्तियों का यूज होता है वो होता है इन्फ्लामेशन में, इन्फ्लामेशन होता है किसी भी अंग का लाल होकर सूज जाना, तो उस पर क्या होता है पत्तियों को क्रश करके और उनको लगाया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। और डाइसेंट्री होता है पेचिस, ठीक है। अगला इसका यूज है फ्रूट्स आर आल्सो हेल्प्स इन क्योर ऑफ रीनल कोलिक एंड जनरल वीकनेस। जो इसके फ्रूट्स होते हैं वो रीनल कोलिक और जनरल वीकनेस जो होती है उसके भी ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। रीनल कोलिक क्या होती है, वृक्कीय पेट दर्द जो होता है, किडनी में जो पेट दर्द होता है अपने, उसके उसके उपचार के लिए भी इसके फ्रूट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका ड्राई सीड कंटेंट कितने परसेंट इसमें एडिबल ऑयल होता है ड्राई सीड्स में, और कितने परसेंट इसमें प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चंस जेट और आईसीआर जैसे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका ड्राई सीड्स में कितने परसेंट एडिबल ऑयल होता है और कितने परसेंट प्रोटीन होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इसका। इसका सही जवाब होगा 13-22% एडिबल ऑयल होता है और 20-24% प्रोटीन होता है, ठीक है। ओकरा में कितना होता है, 13-22% इसमें एडिबल ऑयल होगा और 20-24% इसका प्रोटीन होगा। अब हम कल का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओकरा जिसका बोटनिकल नेम है एबिलमोस्कस एस्कुलेंटस, दोबारा एक बार मेरे साथ बोलो एबिलमोस्कस एस्कुलेंटस। फैमिली मालवेसी, क्रोमोजोम नंबर 2n इज इक्वल टू 130, फ्रूट टाइप होता है इसका कैप्सूल, एंड एडिबल पार्ट होता है इसका फ्रूट। अगला इसका अपना टॉपिक था सोइल एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो सोइल क्या होती है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप लिख भी सकते हो कॉपी पेन लेके, ठीक है। थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, सीधा सा याद रखना है आपको, थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और इसकी हेल्प करती है टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ठीक है।
अब देखो एक चीज़ बताई थी मैंने आपको फटाफट कल, सेंडिलोम सोइल इज मोर सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स, सभी फसलों के लिए लगभग सेंडिलोम सोइल सुटेबल होती है। कुछ क्रॉप्स है जैसे ग्राउंडनट है उसके लिए ब्लैक कॉटन सोइल यूज होगी, ठीक है, बट ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स के लिए सेंडिलोम सोइल, एंड पीएच कितनी होनी चाहिए 6.5 to 7.5। कुछ क्रॉप्स है जैसे पोटेटो, उसमें 5.5 पीएच चाहिए, जबकि सभी ऑल क्रॉप्स में, ऑलमोस्ट लगभग सभी क्रॉप्स में 6.5 to 7.5 पीएच चाहिए होती है। अगला आता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए इसकी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के लिए, तो वो होता है 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। सोइंग टाइम क्या होता है, क्या होता है सोइंग टाइम, जून जुलाई, ठीक है, इसका सोइंग टाइम जो होता है वो होता है जून और जुलाई। फिर अपना आता है सीड रेट। सीड रेट कितनी थी, 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर। इसको मैं आगे ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा, अभी थोड़ा सा एक बेसिक वो देख लो। सीड सोइंग 3 सीड्स पर हिल एट 30 सेंटीमीटर, मतलब एक हिल में 30 सीड डालते हैं, एक होल बनाते हैं छोटा सा, उसमें 30 सीड्स डाल देते हैं, तीन सीड डाल देते हैं एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। उनमें से बाद में फिर जैसे जर्मिनेशन होता है उसके बाद आफ्टर 1 मंथ 2 सीड्स को रिमूव कर देते हैं, 2 सीड लिंक्स को रिमूव कर देते हैं और एक को उसमें छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला अपना फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रेंट्स, हमने पढ़ा था 20 से 25 टन पर हेक्टेयर FOM होता है, नाइट्रोजन 40 केजी पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 50 केजी पर हेक्टेयर और पोटेशियम 30 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में ड्यूरिंग सीड सोइंग और 30 डेज आफ्टर हाफ डोज, रिमेनिंग हाफ डोज अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है वेराइटीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ओकरा का फ्रूट टेंडर होते हैं और 6 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं पहले तो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसकी जो लेंथ होती है ओकरा के सीड्स की वो 6 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अब ओकरा फ्रूट्स इसमें वेराइटीज आती है, अब 2-4 वेराइटीज आप फटाफट कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिसको जो वेराइटीज ओकरा की याद है वो आप कमेंट करते रहिए, बाकी फिर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। पहले एक बार इसके यूज़ देख लो, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो स्टेम और रूट्स का केन जूस में उपयोग होता है, हाई आयोडीन कंटेंट की वजह से गोइटर, रेनल, कोलिक एंड वीकनेस को ओवरकम करते हैं, और तीसरा लीव्स आर यूज्ड इन क्यूरिंग इन्फ्लामेशन एंड डाइजेंट्री, ठीक है। अगला आता है आपका ड्राई सीड्स में 13 से 22% एडिबल ऑयल होता है और 20 से 24% प्रोटीन होता है, ठीक है। ओकरा फ्रूट्स टेंडर होते हैं और 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब वेराइटीज़ के बारे में आपने कमेंट कर दिया, अब मैं बताता हूँ आपकी फर्स्ट वेराइटी है पूसा सावनी, ठीक है। पूसा सावनी रेजिस्टेंट टू येलो विन मोजेक वायरस वेराइटी है और ये स्पाइनलेस वेराइटी है। स्पाइनलेस क्या होता है, उस पर जो फ्रूट्स के ऊपर रवें होते हैं वो नहीं पाए जाते इस वेराइटी के अंदर, ये इसकी खास बात होती है, ठीक है। ये हाईब्रिड वेराइटी है और डेवलप फ्रॉम पूसा आ गया, तो पूसा कहाँ से होती है, IARI से, ठीक है। अगर अर्का आता तो कहाँ से होती, बेंगलोर से, हसरगट्टा बेंगलोर IIHR से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से, ठीक है। ये रेजिस्टेंट है येलो विन मोजेक वायरस और दूसरा स्पाइनलेस वेराइटी है और हाइब्रिड वेराइटी है, ठीक है। दूसरी आता है आपका प्रभानी क्रांति। देखिए प्रभानी क्रांति जो वेराइटी है ये एक्सपोर्ट पर्पज से यूज की जाती है, ठीक है। एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए सबसे अच्छी जो वैरायटी होगी वो होगी प्रभानी क्रांति, और ये कहाँ से हुई है, प्रभानी महाराष्ट्र से विकसित हुई है, जहाँ पे भिंडी का रिसर्च सेंटर है, ठीक है। अगला आता है अपना तीसरे नंबर पे वैरायटी है आज़ाद क्रांति। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, आज़ाद क्रांति जो वैरायटी है ये ओकरा की भी है प्लस ब्रिंजल की भी है, मतलब ब्रिंजल की वैरायटी भी है आज़ाद क्रांति और ओकरा की वैरायटी भी है आज़ाद क्रांति, ठीक है, दोनों की वैरायटी है ये। ये टॉलरेंट होती है येलो विन मोजेक वायरस, YVMV, येलो विन मोजेक वायरस डिजीज, जो डिजीज है वायरल डिजीज, उसके अगेंस्ट टॉलरेंट होती है, ठीक है। अब अगली आती है आपकी पूसा मखमली। पूसा मखमली में ससेप्टेबल वायरस, ये ससेप्टेबल होती है वायरस। अब यहाँ तीन टर्म आपने देखे होंगे, एक होता है रजिस्टेंट, एक होता है टॉलरेंट और एक होता है ससेप्टेबल। रजिस्टेंट तो वो होता है जो उस डिजीज को, उस डिजीज से इफेक्ट ही नहीं होती है, वो डिजीज़ उस पर अटैक ही नहीं कर पाती,
अटैक करने से पहले ही वो उस डिजीज के कोज जो होगा उसका, कोजल ऑर्गेनिज्म जो होगा उसको, या तो वो उसको दूर कर देगी या उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। और दूसरा होता है टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब होता है अटैक तो कर जाती है लेकिन टॉलरेंट कर जाती है वो, फिर भी उसकी इल्ड प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर लंबे समय के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, केवल कुछ टाइम के लिए वो टॉलरेंट रहती है, बाकी फिर बाद में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो वो इफेक्ट कर जाता है फिर, ठीक है। और ससेप्टेबल तो होती है जिसपे इफेक्ट करता है वायरस और वो क्रॉप ख़त्म हो जाती है, ठीक है। देखिए ये जो वेराइटीज़ है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इस वजह से हम वही वेराइटीज़ करेंगे जो एग्ज़ाम में मेन मोस्ट वेराइटीज़ है, क्योंकि सभी को पढ़ेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगली वेराइटी आती है अपनी अर्काभय। अर्काभय वेराइटी है जो सिस्टर लाइन ऑफ अर्का अनामिका, मतलब ये अर्का अनामिका की सिस्टर लाइन है। सिक्स नंबर पे आती है आपकी हरभजन भिंडी। ये हरभजन भिंडी जो वेराइटी है ये हरभजन सिंह एक साइंटिस्ट थे, एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सोलन हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने इस वेराइटी को डेवलप किया था डॉक्टर हरभजन सिंह ने, ठीक है, इन 1983-1984। बाद में इसका नाम बदलकर अर्का वो परकिंस लॉन्ग ग्रीन कर दिया था, ठीक है। इस वैरायटी का नाम जो हरभजन भिंडी थी उसका नाम बाद में परकिंस लॉन्ग ग्रीन कर दिया था, ठीक है। ओकरा फ्लावर्स जो होते हैं वो सेल्फ फर्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? ओकरा के जो फ्लावर्स होते हैं वो सेल्फ फर्टाइल होते हैं। सेल्फ फर्टाइल मतलब आपको इसका जवाब देना है कौन सा मोड ऑफ सेक्स पाया जाता है इसमें, किस टाइप का सेक्स है, सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड या ओफन क्रॉस पोलिनेटेड, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। ओकरा फ्लावर्स आर सेल्फ फर्टाइल बट यूजुअली अप टू 10% क्रॉस पोलिनेशन अकर्स बाई इंसेक्ट्स। इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो सेल्फ फर्टाइल होते हैं बट यूजुअली अप टू 10% क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है इसमें, किसके द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, ठीक है। तो बताओ इसका कौन सी क्रॉप है, ये क्रॉस पोलिनेटेड है, सेल्फ पोलिनेटेड है या ओफन क्रॉस पोलिनेटेड है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इसका। ओकरा ओफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 10% क्रॉस पोलिनेशन भी हो रहा है, होने में तो ये सेक्स सेल्फ पोलिनेशन है लेकिन इसमें 10% क्रॉस पोलिनेशन हो जा रहा है बाई इंसेक्ट्स, इस वजह से ये ओफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। अब आता है आपका सीड रेट। सीड रेट हमने नॉर्मली डिस्कस किया था लेकिन अब आपके लिए दो, उसमें दो सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है, एक समर में एक खरीफ सीजन में, जिसको स्प्रिंग और रेनी सीजन भी बोलते हैं। तो स्प्रिंग सीजन के लिए इसकी सीड रेट कितनी होती है और रेनी सीजन के लिए इसकी सीड रेट कितनी होती है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। तो बताइए कितनी कितनी होती है, स्प्रिंग सीजन के लिए पहले कितनी होती है, स्प्रिंग सीजन के लिए ओकरा की सीड रेट कितनी होती है, स्प्रिंग सीजन के लिए ओकरा की सीड रेट होती है 18 से 28 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 18 to 28 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और रेनी सीजन खरीफ सीजन के लिए, रेनी और खरीफ एक ही है, रेनी और खरीफ सीजन के लिए ओकरा की सीड रेट होती है, बताइए इसका जवाब क्या होगा, 8 से 10 kg पर हेक्टेयर, जिसने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। ओकरा की जो सीड रेट होती है वो होती है 18 से 28 kg पर हेक्टेयर होती है स्प्रिंग सीजन में और 8 से 10 kg पर हेक्टेयर होती है रेनी सीजन में। और ऐसे नॉर्मली अगर देखो तो हमने पहले डिस्कस किया था 20 से 21 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। अब आता है आपका इसकी पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। तो ब्रांच दो टाइप की होती है, ब्रांचिंग टाइप और नॉन ब्रांचिंग टाइप। तो ब्रांचिंग टाइप में कितने प्लांट्स पर हेक्टेयर होने चाहिए, बताइए कितने प्लांट्स होंगे, आपने पढ़ा हो तो। इसमें होते हैं ब्रांचिंग टाइप के 5000 प्लांट्स पर हेक्टेयर, ठीक है। कितने होते हैं? 5000 प्लांट्स पर हेक्टेयर, ठीक है। और नॉन ब्रांचिंग टाइप में होते हैं 66000 प्लांट्स पर हेक्टेयर, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिंग होती है होती है 45 x 30 cm, कितनी होती है 45 x 30 cm, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एक टॉपिक आया था पोलिनेशन का, ओफन क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ पोलिनेशन क्या होता है, बेसिक थोड़ा सा। तो पोलिनेशन किसको बोलते हैं, किसी को अगर जवाब पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अटेंड कर सकते हैं, टाइप करके उसमें लिख सकते हैं क्या होता है पोलिनेशन, फिर मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा।
पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए प्लांट। ठीक है, क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बस इतना सा याद रखो, बाकी आप आगे ऐड कर देना। देखो डेफिनेशंस इसमें पढ़ो, लेकिन अपने माइंड में खुद का क्रिएट करना सीखो, खुद के उस पर खुद के माइंड से डेफिनेशंस बनाना सीखो, ताकि आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर रहेगा और आपको उसको तुरंत याद रिमाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो पोलिनेशन क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दो टाइप का होता है मेनली। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। ठीक है, ऑफन क्रॉस में क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है, बट कुछ उसमें थोड़ा सा क्रॉस पोलिनेशन भी होता है, जैसे ओकरा में हो रहा है 10%। ठीक है, चलिए अगला अपना अगला टॉपिक है, स्पेसिंग हो गया था। सीरियस पेस्ट ऑफ ओकरा, देखिए सीरियस पेस्ट कौन कौन से हैं ओकरा के, वो सबसे पहला आता है आपका येलो विन मोजेक वायरस। ठीक है, येलो विन मोजेक वायरस VYMV, सबसे ज़्यादा लॉस अगर ओकरा में ओकरा क्रॉप में होता है किसी पेस्ट की वजह से तो वो है येलो विन मोजेक वायरस। इसका जो वेक्टर है वो है वाइट फ्लाई, जिसको जूलॉजिकल नेम होता है साइंटिफिक नेम होता है बेमिसिया टेबेसाई। ठीक है, और दूसरा इंसेक्ट आता है आपका जेसिड, जिसका जूलॉजिकल नाम होता है इरियास स्पीसीज। अब देखिए अगर इंसेक्ट है तो आप इंसेक्टिसाइड यूज करोगे, और फंगस है तो फंजीसाइड, और वीड है तो हर्बिसाइड यूज करोगे। ठीक है, और तीनों को मिला के आप क्या बोलोगे पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड के अंदर आता है आपका इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड और वीडिसाइड, लेकिन इंसेक्टिसाइड यूज करोगे तो उसमें आता है आपका जेसिड्स। ठीक है, अभी रिसेंटली मिला उसको एंडोसल्फान को भी बैन किया हुआ था इंडिया में। ठीक है, चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग जो होती है ओकरा की वो 45 डेज आफ्टर प्लांटिंग, मतलब ओकरा की जो क्रॉप होती है वो रेडी हो जाती है कितने 45 दिन प्लांटिंग के 45 दिन बाद। ठीक है, हार्वेस्टेड इन टेंडर स्टेज, फ्रूट्स को हार्वेस्ट करते हैं टेंडर स्टेज में। अब मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले टेंडर स्टेज की स्टेज पर हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती है ओकरा की, कितना बड़ा होने के बाद उसको हार्वेस्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब दो इसका आप। 6 to 9 centimeter लॉन्ग, जब ओकरा का फ्रूट 6 to 9 centimeter लॉन्ग हो जाएगा तब उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, और कब करते हैं एक या दो दिन के इंटरवल में। ठीक है, अगर हम ज़्यादा डिले करेंगे उसको तो वो हार्ड हो जाएगा और वेजिटेबल्स के यूज के पर्पज से ख़त्म हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए अगला अपना टॉपिक है हार्वेस्टिंग फर्टिलाइजर का। तो फर्टिलाइजर में 45 केजी पर एक्टे लेते हैं, फास्फोरस 50 केजी पर एक्टे लेते हैं, और पोटास 30 केजी पर एक्टे लेते हैं। ठीक है, 20+20 टू स्प्लिट डोजेज में इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।